फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोचनी। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मावा की रेसिपी, जो एक रिक्वेस्टेड है। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किए मावा कैसे बनता है घर पे, सो मैं आज वही बना के आपको दिखाऊंगी मावा कैसे बनता है। इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है और कुछ नहीं। चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, मावा बना के रेडी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मेरा किचन में और ये है मेरा बर्तन जिसमें मैं मावा बनाऊंगी। ये बड़ा सा कढ़ाई है और अभी मैं गैस को चालू करूंगी और इसमें मैं डालूंगी 1 लीटर मिल्क। ये रहा मेरा पैकेट जो मैं इसमें डालूंगी। सो फ्रेंड्स, ये मैंने दूध कढ़ाई में डाल दिया है, इसको एक बॉईल लाने तक वेट करेंगे। मावा बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, बस इसको लगातार लगातार चलाना रहता है। सो इसको मैं अभी चला लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे दूध में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है और ये मलाई भी जमना स्टार्ट हो गया है और इसी टाइम हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे के इसको हिलाना पड़ेगा। एक बार मलाई गाढ़ा हो जाता है तो वो छूटने के लिए भी मुश्किल है, तो इसको किनारे में जितना भी मलाई जमता है इसको निकाल निकाल के और नीचे से हिला हिला के लगातार चलाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं दूध को अभी 20 से 25 मिनट्स तक चलाया है। दूध मेरा इतना सा थिक हो चुका है। ये थिकनेस को आप कंडेंस मिल्क की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा शुगर डाल दीजिए, ये आपका हो जाएगा कंडेंस मिल्क। बट खोया बनाने के लिए हम इसको एकदम से सूखा करना है, बिल्कुल गीला नहीं। और जब तक ये कढ़ाई को ना छोड़ दे तब तक इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। यहाँ पे मैं गैस को थोड़ा सा सिम में करूंगी क्योंकि ये ज्यादा छिपकेगा अभी तो हमारा मिल्क खराब हो जाएगा, बाहर निकल आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कितना ठीक हो चुका है। इसको हम राबड़ी बोलते हैं, इस थिकनेस को। दूध में हम बहुत सारे चीज बना सकते हैं का, और थोड़ा सा पतला जब मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया तब होता है इस कंडेंस में, तब इसको हम कंडेंस मिल्क की तरह यूज कर सकते हैं और ये थिकनेस को हम राबड़ी बोलते हैं। हमारा मावा बन के रेडी हो चुका है। यह हमारा होममेड मावा बनके रेडी है, एकदम अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका। आप इसी तरह लगातार चलाते हुए बनाओगे तो इसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो नीचे ये लग जाएगा और इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर किया मावा कैसे बनाते हैं और इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है बट अच्छा मावा और शुद्ध मावा घर पे बन के तैयार होता है। इसी तरह आप घर पे मावा बनाइए, स्वीट्स बनाइए, खाइए। मावा बनाने के बाद इसको 10 डेज के अंदर ही खत्म कीजिए, नहीं तो ये भी खराब हो जाता है और खाने में टेस्ट नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर किया मावा की रेसिपी। इसको बनाने के लिए मुझे 40 से 45 मिनट ही लगाए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।